मिलिए तेज सिंह से, इन्हें चाहिए सब कुछ तेज, कंप्यूटर तेज, मोबाइल तेज, यस, गाड़ी तेज, मगर ये घर बनाते हैं बहुत ही स्लो। तेज सिंह, ये सब चल क्या रहा है? अब तक घर का काम पूरा नहीं हुआ। पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब क्या हुआ? काम तेजी से क्यों नहीं करते? मेरा रूम 3 दिन में रेडी चाहिए, समझे? 3 दिन में कहां से खड़ी करूं दीवार? मिस्टर तेज सिंह, अपने काम में भी तेजी क्यों नहीं लाते? एवरेस्ट ड्राइवॉल क्यों नहीं अपनाते? एवरेस्ट ड्राइवॉल? एवरेस्ट ड्राइवॉल है एक मजबूत और दमदार दीवार जो लगे जल्दी से, ताकि आपकी कंस्ट्रक्शन का काम हो तेजी से, और ये है फायर रेजिस्टेंट। बढ़िया है, पर इसे लगाते कैसे हैं? आइए देखते हैं। इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले दीवार, रूफ स्लैब और कंक्रीट फ्लोर को अच्छे से साफ कीजिए, ताकि सारी धूल मिट्टी, लूज पार्टिकल्स निकल जाए। दीवार की लेआउट सेट करने से पहले चेक कर लीजिए कि फ्लोर अच्छे से लेवल किया गया है। चैनल्स और स्टड्स लगाने के लिए पहले लेआउट के मुताबिक ड्रॉ करके दीवार की पोजीशन फिक्स कीजिए। दीवारें एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। लेआउट फिक्स करने के बाद ट्रैक्स की पोजीशन कंफर्म कीजिए। फ्लोर ट्रैक की लंबाई नाप कर उसे काटिए, फिर ड्रिल करके मेटल एंकर से फिक्स कीजिए। स्क्रूज के बीच 610 mm की दूरी रखकर हमेशा जिगजैग पैटर्न में लगाइए, इससे चैनल अच्छे से फिक्स हो जाएगा और उसे मजबूती मिलेगी। याद रहे, दोनों एंड के स्क्रूज ट्रैक के 50 mm अंदर होने चाहिए। अब पहला और आखिरी स्टड फिक्स कीजिए। स्टड को दीवार पे मेटल एंकर से फिक्स कीजिए। इसी तरह दूसरे कोने में भी स्टड फिक्स कीजिए। स्टड और ट्रैक को क्रिम्पिंग टूल से पोजिशन कीजिए, फिर प्लम बॉब से चेक कीजिए कि वॉल स्ट्रेट है कि नहीं। दोनों स्टड्स को लगाने के बाद ऊपर की तरफ सीलिंग ट्रैक लगाइए, बाकी स्टड्स को फ्लोर ट्रैक में फंसा कर लगाइए, ताकि स्टड्स सभी ट्रैक में अच्छे से फिक्स हो जाएं। सारे स्टड्स के सर्विस होल एक ही लाइन में होने चाहिए, इससे कंसील्ड वायरिंग करना आसान हो जाता है। बाकी दीवारें भी ऐसे ही बनाइए। दरवाजा बनाने के लिए सबसे पहले दरवाजे की पोजीशन फिक्स कीजिए। जहां दरवाजा होगा वहां फ्लोर ट्रैक मत बिछाइए, और डोर फ्रेम लगने वाली जगह पे दो स्टड्स को एक दूसरे के अंदर बॉक्स कीजिए। अब इसके बॉक्स स्टैंड में ज्यादा मजबूती के लिए वुडन बैटन लगाइए। दो दीवारों के कोनों में और दो फ्रेमवर्क्स के बीच एवरेस्ट ड्राइवॉल बोर्ड की चौड़ाई के हिसाब से जगह छोड़िए। दरवाजे की ऊंचाई के मुताबिक एक स्टड पे मार्क कीजिए, फिर वाटर लेवल की मदद से दूसरे स्टड पे मार्क कीजिए। दरवाजे की चौड़ाई के अनुसार चैनल को काटिए। चैनल की लंबाई दरवाजे की चौड़ाई से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ताकि दोनों साइड में कम से कम 150 mm का ओवरलैप मिले। मजबूती के लिए ट्रैक में भी वुडन ब्लॉक लगाइए। ध्यान रहे कि लिंटल लेवल पे लगाया गया चैनल लेवल्ड हो। फ्रेमवर्क पे जहां स्विच बॉक्सेस लगाने हैं, वहां इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग कीजिए और स्विच बॉक्सेस फिक्स कीजिए। फ्रेम पे बोर्ड लगाते समय उन्हें इलेक्ट्रिकल बॉक्स की साइज के हिसाब से काटिए। अब एवरेस्ट फाइबर सीमेंट बोर्ड को हाइट वाइज काटिए और एक साइड से माउंट करना शुरू कीजिए। जॉइंटलेस फिनिश के लिए बोर्ड्स बेवल्ड होने चाहिए। बोर्ड्स को 25 mm फाइबर सीमेंट स्क्रूज से फिक्स कीजिए। स्क्रू फिक्स करते समय हमेशा कॉर्नर से 50 mm और एजेस से 15 mm की दूरी पर ही स्क्रू फिक्स कीजिए। स्क्रूज को ड्राई एरिया के लिए ज्यादा से ज्यादा 300 mm और वेट एरियाज के लिए 200 mm सेंटर टू सेंटर की दूरी पे फिक्स कीजिए। जरूरत पड़े तो ड्राईवॉल पार्टीशन की इंसुलेशन बढ़ाने के लिए पार्टीशन के कैविटी में रॉक वूल का इस्तेमाल कीजिए। इससे आग, ध्वनि और रूम तापमान के प्रति लाभ मिलता है। जहां पे दरवाजे की ओपनिंग है, वहां दरवाजे के साइज के हिसाब से बोर्ड को काट के फिक्स कीजिए। बोर्ड्स के जॉइंट दरवाजे के ऊपर और बीच में होने चाहिए, नहीं तो कोनों के जॉइंट्स में दरारें आती रहेंगी। बोर्ड्स फिक्स करने के बाद चेक कीजिए कि ड्रिल्ड और फिक्स्ड स्क्रूज सतह के अंदर हो। अब देखते हैं जॉइंटिंग और फिनिशिंग कैसे करनी है। एवरेस्ट सीमेंट बोर्ड जॉइंटिंग कंपाउंड एक 2-part यूनिवर्सल जॉइंटिंग कंपाउंड है। इसमें एक भाग एक्रेलिक बेस्ड रेजिन और दूसरा सीमेंट बेस्ड पाउडर होता है। एवरेस्ट जॉइंटिंग कंपाउंड को साइट पे ही 1:3 के अनुपात में मिलाइए। एक भाग एक्रेलिक रेजिन और 3 भाग पाउडर। इसे पावर एजिटेटर से तब तक मिलाइए
जब तक मिक्सचर एक समान ना हो जाए। ध्यान रहे, जॉइंटिंग कंपाउंड लगाने से पहले बोर्ड बेवल्ड किया गया हो। एवरेस्ट बोर्ड जॉइंटिंग कंपाउंड को 30 टू 45 मिनट्स के अंदर ही इस्तेमाल करना होता है, इसलिए उतना ही मिक्सचर बनाइए जो 30 मिनट्स के अंदर इस्तेमाल हो सके। पहले ग्रूव के दोनों ओर मास्किंग टेप लगाइए और फिर सतह को गीले कपड़े से साफ कीजिए। फिर जॉइंट को भरकर एवरेज जॉइंटिंग कंपाउंड का एक पतला कोट लगाइए। इसके बाद उस पे फाइबर टेप चिपकाइए और फिर जॉइंटिंग कंपाउंड का दूसरा कोट एवरेज ड्राइवॉल पे लगाइए। कोट सूखने के बाद सतह को सैंड कीजिए। सैंडिंग से सतह को एक स्मूथ और हाई क्वालिटी फिनिश मिलती है। इसके बाद आप उस पे पेंट, टेक्सचर पेंट या वॉलपेपर लगा सकते हैं। देखा एवरेज ड्राइवॉल से कितनी तेजी और आसानी से दीवार बन गई। एवरेज ड्राइवॉल अब दीवार बने तेजी से।